जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसके बाद तमाम महत्वपूर्ण लोगों को मंत्री पद दिए गए, जिसमें हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका R9 TV में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से पंचायती राज का आपको जो एक महत्वपूर्ण पद मिला है, कैबिनेट मिनिस्टर आप बनाए गए हैं, सर क्या लगता है क्या चुनौतियाँ रहेंगी, क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? सर, बड़ी आबादी देश की, प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं कहीं ना कहीं उसका अभाव है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में 1.5 वर्ष में और 2.5 वर्ष में पिछले में सरकार ने उन आधारभूत ढांचे को व्यवस्थित करने का काम किया है। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शपथ लेने के बाद सरकार की प्राथमिकताओं में वाली योजनाओं में सम्मिलित कर और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के द्वारा जो शौचालय का निर्माण है, उनका रखरखाव है, उनका उपयोग है, उनके लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चलाकर इस कार्य को पूरा किया है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने सभी विभाग के लोग कर्मचारियों का सबका अभिवादन करता हूँ। और हम लोगों ने तो 2018 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी दिशा निर्देश पर इसे पूरा किया है, लेकिन महात्मा गांधी जी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश को इस सामाजिक बुराई से मिटाने का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री का है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उसे पूरा कर चुके हैं। हमारे साथ थे भूपेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री का पद संभाला और जिनका कहना यह है कि सरकार का जो स्वच्छता का कदम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और पंचायती राज में जो भी ऐसे फैसले होंगे जिसको हम करने लायक होंगे उसको हम जरूर करेंगे। संदीप खे, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV।